श्रावण का तीसरा सोमवार भोलेनाथ को चढ़ा दे ये छोटी सी चीज, मुंह से निकलते ही मनोकामना होगी पूरी। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश में सभी लोग श्रावण के महीने को एक त्योहार की तरह मनाते हैं। इस परंपरा को लोग सदियों से निभाते चले आ रहे हैं। भगवान शिव की पूजा करने का सबसे उत्तम महीना होता है सावन, लेकिन श्रावण में भी सोमवार के जो दिन होते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ऐसा धर्म ग्रंथों में और शिव पुराण में लिखा हुआ है कि श्रावण के सोमवार के दिन यदि कोई भी भक्त भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करता है तो निश्चित तौर से उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। श्रावण मास को हिंदी कैलेंडर में पांचवें स्थान पर आता है और इस ऋतु में जो है वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, जो कि श्रावण के जो है महीने में बरसात भी होती है। शिव जी को श्रावण के अधिष्ठाता देवता कहा जाता है। उन्हें इस माह में विभिन्न तरीकों से जो है प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, क्योंकि श्रावण मास एक ऐसा महीना है जिसमें समुद्र मंथन में जब हलाहल नाम का विष प्राप्त हुआ था तो पूरे संसार में पूरे ब्रह्मांड में हलाहल नामक विष फैल रहा था। भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए और भक्तजनों के कल्याण के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। तभी से जो है भगवान भोलेनाथ के अंदर इतनी जो है गर्मी फैल गई कि उनका शरीर जो है बहुत ज़्यादा उस गर्मी से जलने लगा था। तो सभी लोगों ने और माता पार्वती ने उनको शीतलता प्रदान करने के लिए जो है अनेकों अनेक उपाय किए। उनमें से एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं जो श्रावण के तीसरे सोमवार के दिन आपको कर देना है। इस उपाय को करते ही आपके मुंह से जो भी कामना निकलेगी वह पूर्ण हो जाएगी। तो आपको इस उपाय के रूप में बस करना यह है कि श्रावण सोमवार के दिन सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करना है। आप यह उपाय सुबह सूर्योदय से लेकर के देर रात तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध मन से और पवित्र तन से आपको इस उपाय को करना चाहिए। इस उपाय में आपको गाय का कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध को जो है अपने हाथों से एक लोटे में जल पात्र में ले करके जो है कच्चे दूध को भगवान शिव के ऊपर अर्पण करना है। दूध की कोई मात्रा नहीं होती है, भगवान को जितना दूध आप अर्पित करेंगे उतना सब वो जो है प्रेम से ग्रहण करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए कि गाय का यदि कच्चा दूध मिल जाता है तो सबसे सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि गाय के दूध को भगवान भोलेनाथ जो है अपने ऊपर यदि चढ़ाया जाता है तो भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। बस आपको गाय के दूध को चढ़ाते हुए अपनी मन की जो भी कामना है, मनोरथ है, आपके मन में जो भी इच्छा है वह बोलते जाना। निश्चित तौर से हमें विश्वास है कि आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपके मन में जो है उस समय भगवान के प्रति अद्भुत श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ हमारी कामना को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। इस विश्वास के साथ यदि आप भगवान भोलेनाथ को तीसरे सोमवार के दिन कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो निश्चित तौर से मानिएगा आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही भोलेनाथ पूर्ण कर देंगे और आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।